बोलो जल्दी, अंदर कोई आता नहीं है, लेकिन जब तुम उठ करके पहले वापस जाते हो ना, तो तुम्हारे भी तुमको लग जाते और पड़ोसियों के भी लग जाते हैं। इसलिए कोई बीच में उठ करके जाना। शंकर भगवान की हर हर। कथा तो तुमको पता ही है, क्या कथा सुनाने में, वही नपी तुली सी कहानी। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, नाम है तारकासुर। कब कब जब भगवान शंकर की पहली पत्नी जिसका नाम था देवी सती, जिसका नाम था देवी, अब जानते हैं, कंखल नाम के नगर में बिना बुलाए अपने पिता के घर गई। बिना बुलाए अपने, देखो छह जगह ऐसी हैं जहां से निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। बाप के घर, गुरु के घर, राजा के घर, मित्र के घर, भगवान के घर और संत के घर, यहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत। लेकिन अगर वहां जाकर के कुछ अपमान होने का खतरा हो, भले कितना ही प्रेम हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में जावत हर्ष न उपजे, नैनन बरसे ना ने, जहां जाने से प्यार ना मिले वहां जाना। अच्छा एक बात बताओ, आप अमरनाथ जी में आए हो, किस लिए आए हो? आपको भगवान से प्यार होगा तभी आए हो कि ऐसे ही आ गए मुंह उठा के? ईमानदारी से बताना, भगवान से प्यार है तभी तो आए हो? जिसको भगवान से प्यार होता है उसको निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां आकर के अपमान होने का डर हो, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, इस दुनिया में जितने भी दरवाजे हैं, सब दरवाजों पर कभी ना कभी अपमान होने की संभावना है। सब दरवाजों पर अपमान होने की संभावना है, एक ही दरवाजा ऐसा है जहां आकर के आपका अपमान नहीं होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपका सम्मान सदा के लिए बढ़ जाएगा, वो है शंकर जी का दरवाजा। अपने पिता के बिना बुलाए देवी सती यज्ञ में गई। कथा आप जानते हैं, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। भगवान शंकर ने शरीर उठाया कांधे पर, जला हुआ शरीर कांधे पर उठाया और महाराज भ्रमण करने लगे त्रैलोकी में। लेकिन जितने दिन तक, ध्यान देने की बात, शंकर जी त्रैलोकी भ्रमण करते रहे, श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, उतने दिन तक इस धरती पर किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। उतने दिन इस धरती पर किसी की, शंकर जी जब तक घूमते रहे कोई मरा ही नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी, लेकिन नहीं ना, लोग पैदा होते रहे और मरना बंद हो जाए, फिर तुहानू बैठन भी थान नहीं मिलनी हैगी। इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाए कहां बैठो? अरे घर के लोग नहीं मरे तो घर में फौज इकट्ठी नहीं हो जाएगी क्या? मरने भी चाहिए और जन्मने भी चाहिए। आपने कभी मकान बनाया हो, कभी दुकान बनाई हो, जब लेंटर डालता है ना मिस्त्री, क्या डालता है? तो एक छोटा सा छेद छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? छेद। क्यों? कि जो पानी बरसेगा उसकी निकासी की भी कोई जगह होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जन्म भी जरूरी है तो मृत्यु भी जरूरी है। अगर किसान को आप कहो, जो किसान कोई जिम्मेदार खेत में फसल काट रहा हो, क्या काट रहा हो, आप उससे जाके कहो, भैया रे अगर तुझे फसल काटनी थी तो फिर बोई काहे को थी, पटियाले वाले? अगर फसल काटनी ही थी तो फिर बोई क्यों? तो किसान क्या कहेगा कि महाराज अगर काटेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? काटेंगे नहीं तो जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुमको तुम्हारे कर्म का भोग मिलने वाला नहीं है। कई प्रकार के जन्मों में जाकर के ही आप अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। मृत्यु होनी बंद हो गई, देवता बड़े चिंतित हो गए कि धरती तो पाताल में चली जाए, क्या किया जाए। श्री हरि विष्णु जी को प्रार्थना की। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती
प्रकृति के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? और ध्यान देना, जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां भगवान शंकर भैरव के रूप में प्रकट हो गए। किसके रूप में? 52 शक्ति पीठ बने और 52 ही भैरव बने। विष्णु जी के 24 अवतार हैं, विष्णु जी के और शंकर जी के 52, 11 तो रुद्र हैं उनके, शंकर जी के ये 52 भैरव, इस शंकर जी के ही 52 अवतार हैं। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां शंकर जी भी प्रकट हुए। इसलिए आप किसी भी शक्ति पीठ में जाइए, आपको भैरव की मूर्ति जरूर, बोलो हाँ, सती के शरीर के जहां जहां टुकड़े गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बनते गए। जहां चरण गिरे वहां चिंतपूर्णी नाम से विराजमान हुई। जहां चरण गिरे वहां, बोलो चिंतपूर्णी। जहां पर केश गिरे वहां कालिका, जहां वज्र गिरा रीढ़ की हड्डी वहां वज्रेश्वरी, जहां पर नैन गिरे वहां, लेकिन ये नैना देवी तुम्हारे वाली नहीं है, हिमाचल वाली नहीं, शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। वो जो नैना देवी कही गई है वो नैनीताल उत्तराखंड में जो नैन गिरे वहां का वर्णन है। ये जो नैना देवी है ये तो नैना नाम का एक माँ भगवती का गुज्जर भक्त था, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, माँ ने उसको दर्शन दिया था, उसी के नाम से विराजमान हो गई थी, इसलिए नाम क्या पड़ा, नैना देवी नाम पड़ा। अनेक स्थानों पर माता जी के शरीर के टुकड़े गिरे और वहां वहां पर माता जी के साथ में भगवान भैरव भी प्रकट हुए। आपको पता है आप अमरनाथ में आए हैं, ये भी एक शक्ति पीठ है, ये भी एक, बोलो ना, माता जी की रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा यहाँ गिरा था। यहाँ के भैरव का नाम है अमरेश्वर। यहाँ के भैरव का नाम क्या है, बोलो, अमरेश्वर। भैरव का नाम क्या है? अमरेश्वर का ही नाम बदल करके आज आप जिनको जानते हैं अमरनाथ जी के नाम से। किनके नाम से? बोलिए अमरनाथ भगवान। ये शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। आप चाहे तो श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा पूरी विस्तार से पढ़ सकते हैं। 52 शक्ति पीठ बने, 52 भैरव बने। जब शरीर से शंकर जी के वो सती का शरीर गिर गया, शंकर जी मुक्त होकर के, भार रहित होकर के कैलाश पर जाकर के तपस्या करने लगे। जब शंकर जी तपस्या में बैठे उसी समय तारकासुर नाम के असुर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, बोलो, बोलो ना, तारकासुर, समझना बात। जब श्रेष्ठ व्यक्ति सो जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति समाधि में बैठ जाते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्ति कर्महीन हो जाते हैं तो समाज में बुराइयां जन्म ले लेती हैं। तो समाज में शंकर जी सुषुप्त हो गए, समाधि में चले गए, तो बुराई रूप से तारकासुर का जन्म हुआ। उसने बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की। किनकी तपस्या की? बहुत तपस्या की। यहाँ शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कैसी तपस्या की, बोले एक पांव पर खड़े होकर के इतनी तपस्या की कि आधे शरीर में घुन लग गई, दीमक, आधे शरीर में, आधे शरीर को दीमक ने खा लिया, केवल हड्डियों में प्राण बचे, तब भी तपस्या करता रहा। ध्यान देना, जितनी तपस्या राक्षसों ने की है ना उतनी तपस्या देवताओं ने नहीं की। तपस्या ज्यादा कितने की? देवताओं ने नहीं, लेकिन पूजा किसकी होती है, बोलो, क्या कारण होगा? देवताओं ने भी तपस्या की, दानवों ने भी तपस्या की, लेकिन पूजा होती है देवताओं की, दानवों की नहीं। क्यों? क्योंकि दानवों की तपस्या थी तो बहुत अधिक, लेकिन दूसरों को दुख देने के लिए थी। तपस्या थी तो बहुत, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए। ध्यान देना, मेरी बात को बुरा मत मानना। आज के समय में हम भी श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं 80% हमारे श्रेष्ठ कर्म दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। हम भंडारे लगाते हैं, हम जागरण कराते हैं, हमारा बुरा नहीं मानना, जागरण में हम उस मंडली को बुलाते हैं जिसका बहुत नाम हो, जिसका बहुत टेलीविजन में आता हो, भाई उसने भी भजन गाने और दूसरे ने भी, बोलो ना, हमारे पास लोग कथा कराने के लिए आते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि महाराज आप टेलीविजन में आते हो कि नहीं आते, टेलीविजन में आते